इसका तूने पिया है, तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, मेरे भाई को घूरता है, और आज तू कहता मैं ताबून कर दूंगा। मैंने कहा ताबून तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाजों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की, मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है, अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फूफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कोई चाहता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूं ना, खवातीन से करूं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खावंद के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है,